दाव दिया। ओके चलो इधर। आज सुबह 4 बजे आमतल पुलिस स्टेशन में एक इन्फॉर्मेशन आया कि नेताजी नगर में एक दो लेडी का मर्डर हुआ। तो इमीडिएटली हमारा SDPO एंड OC ने रश किया है स्पॉट में। स्पॉट में देखा कि दो लोग मर्डर हुए थे, दो वुमेन है, एक सोमा आचार्य 15 ईयर्स और एक तनुष्पी आचार्य 34 ईयर्स। तो इमीडिएटली लोकल इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इसके पीछे इसका जो तनुष्पी आचार्य का हस्बैंड है समरजीत चौधरी 40 ईयर्स मधुपुर, ये इसका मर्डर किया है। तो इमीडिएटली इन लोगों ने जो SDPO का टीम है इमीडिएटली मधुपुर PS से कॉन्टैक्ट करके उधर नाका पे उसको पकड़ा है। विद इन 1 आवर इन लोगों ने अचेतन किया है। उसके बाद उसको लेके आके उसको इंट्रोगेशन में उसने कन्फेस किया है। तो ये एक्चुअली तनुश्री आचार्य और समरजीत जो हस्बैंड एंड वाइफ है इन दोनों का डिवोर्स चल रहा है। 1.5 साल से इनका फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है। तो अभी लास्ट स्टेज में तो जो मर्डर का रीजन क्या था? हाँ यही, तो ये एक्चुअली इनका डिवोर्स और फैमिली प्रॉब्लम चल रहा था। तो इसके पीछे ये सोचता है कि इसका जो सासू माँ है सोमा आचार्य वो इसका जो फैमिली का प्रॉब्लम है इसका रीज़न वो है। तो उसके ऊपर पहले से उसको बहुत सारा गुस्सा था। और कल आफ्टरनून जब इसने फेसबुक में तनुश्री आचार्य का एक पोस्ट देखा उसमें ये दो लड़के के साथ एक गाड़ी में जा रही थी, खुशी खुशी एंजॉय कर रही थी, तो इसको गुस्सा हो गया। तो इसने आफ्टरनून से प्लान किया है और रात में आके जो सोमा आचार्य के घर में चुपके बैठ गया। तो सोमा आचार्य जो उनका मदर इन लॉ है और ये तनुश्री आचार्य पूजा देखने के लिए गए थे, तो ये जब वापस आए 4 बजे तो इसने तुरंत अटैक किया है। इसके साथ जो दाव था एक्चुअली पोल्ट्री बिजनेस करता है, तो जो पोल्ट्री कटिंग का जो दाव है वो लेके सोमा आचार्य को अटैक किया है। तो वो तो बहुत ही हीनियस अटैक किया है, पूरा उनका जो नेक है गर्दन पूरा अलग नहीं हुआ लेकिन अलग लगभग 3/4 कट कर दिया। उसके बाद जब तनुश्री उसको बचाने के लिए आया तो उसको भी अटैक किया है, उसके भी सिर पे मरा है और उसको भी हाथ पे मरा है। तो वो भी विद इन मिनट्स वो भी मर गए, दोनों स्पॉटेड है। उसके बाद वो जगह से भाग गया। तो उसके घर मधुपुर में है और इमीडिएटली हम लोगों ने अरेस्ट किया है और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुआ है। उसको अभी हम पुलिस रिमांड में लेके आएंगे और उसका और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसका मैजिस्ट्रेट के सामने उसका ये भी हो। अभी समरजीत सर कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी पुलिस कस्टडी में सर, अभी उसको कोर्ट में हाजिर होगा। इसके साथ की उम्र है ये अकेला ही अभी जो आ रहा है प्रेजेंट अकेला ही है। फिर भी हम लोग डिटेल उसको इन्फॉर्मेशन करेंगे कैसे किया उसने सब आएगा डिटेल। इन्वेस्टिगेशन जारी है। कितना दिन हुआ है? ये 1.5 साल से उसका चल रहा है अभी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में। उसका कोई फैमिली का कोई मेंबर है क्या? हाँ उसका 2 बेटा है, दोनों मधुपुर में रहता है, इधर सिर्फ उसका वाइफ और उसका मदर इन लॉ। कितने साल से वो दोनों अलग पे है? 1.5 साल से।